सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में रहने वाले इस परिवार में कुछ दिन पहले खुशियां ही खुशियां थी। परिवार के मुखिया, जो नोएडा में एक स्मार्ट यूज कंपनी में नौकरी करते थे, परिवार की माली हालत भी ठीक ठाक थी। परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। बेटी का नाम रितिका है। बेटी पढ़ने लिखने में होशियार थी और दिखने में भी बेहद खूबसूरत। इसके साथ ही लाइफस्टाइल एकदम अलग। फिलहाल रितिका को नानी के घर जाना क्यों पड़ा महंगा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी सरकार जहां कानून व्यवस्था को लेकर सजग है, तो वहीं अपराधी भी अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला आगरा का है, जहां पर गाजियाबाद के रहने वाली मशहूर ब्लॉगर रितिका का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पूरा मामला यहां से शुरू होता है। रितिका अक्सर गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर टूंडला जाया करती थी। वहां पर आसपास के पड़ोसियों से मुलाकात होती थी, जहां पर उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम आकाश है। अब रितिका और आकाश का धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू हो गया। फिर थोड़े दिन बाद रितिका अपनी नानी के घर से गाजियाबाद चली जाती है। इधर आकाश को रितिका से मोहब्बत हो गई, जो कि एक तरफा थी। रितिका इन मुलाकातों को लेकर गंभीर नहीं थी, फिर भी आकाश उसके पीछे पड़ा हुआ था। रितिका ने शुरुआत में आकाश की इन हरकतों पर ध्यान नहीं दिया और थोड़े दिन बाद आकाश रितिका से मिलने के बहाने ढूंढने लगा और गाजियाबाद में अपनी किसी बहन के घर जाने लगा। इसी के बहाने आकाश रितिका से मिलने लगा और उसके बाद रितिका से बताया कि मेरी नौकरी रेलवे में लगने वाली है, मैं अफसर बन जाऊंगा। जिसके बाद धीरे धीरे रितिका भी आकाश के बिछाए जाल में फंसती गई। आखिरकार रितिका आकाश के बिछाए जाल में पूरी तरह से फंस गई, जिसके चलते उसने आकाश के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सोच लिया और अपने घर वालों से आकाश के बारे में बात की। लेकिन जब घर वालों को इस बात की खबर हुई तो रितिका के फैसले का विरोध किया, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के साथ घर वालों ने रितिका की बात मान ली और दोनों की शादी करा दी। इधर शादी का कुछ समय बीतने के बाद ही आकाश की सच्चाई रितिका के सामने आने लगी, क्योंकि आकाश की ना तो कोई नौकरी लगी थी और ना कोई वो नौकरी करना चाहता था। फिलहाल आकाश यूं ही इधर उधर घूमता रहा। इधर रितिका ने आकाश की इन हरकतों से परेशान होकर घर चलाने के लिए एक नौकरी कर ली, जिसके बाद आकाश का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। रितिका को घर चलाने के साथ साथ आकाश के जुल्मों को भी सह रही थी, क्योंकि आकाश बहुत ही शकी मिजाज का था। इस वजह से आए दिन दोनों में लड़ाई होती रहती थी। आकाश के इस तरह लड़ाई झगड़े से परेशान होकर रितिका घर छोड़कर फिरोजाबाद चली गई और उसने वहां पर एक स्कूल में नौकरी कर ली। वहीं पर उसकी मुलाकात विपुल से होती है। दरअसल रितिका पहले से ही विपुल को जानती थी। रितिका विपुल की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। जानकारी के मुताबिक विपुल ने ही रितिका की नौकरी लगवाई। इधर आकाश और रितिका के बीच की हालत ऐसी हो गई थी कि उसने आकाश से तंग आकर घर छोड़ दिया था, क्योंकि आकाश ने उसको कई बार मारा पीटा था। यहाँ तक कि उसके पैर को भी जलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद रितिका ने भी आकाश से तलाक लेने के बारे में सोचा और अर्जी भी दी थी। लेकिन आकाश को ये गवारा नहीं था कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर जाए, क्योंकि आकाश बेरोजगार था, उसके पास घर चलाने का और कोई जरिया नहीं था। उधर देखते ही देखते रितिका ने आकाश की इन हरकतों से परेशान होकर अपने माँ बाप से भी रिश्ता तोड़ दिया। इसके साथ ही रितिका को ये भी डर था कि आकाश कहीं उसको ढूंढ न ले। इसी डर से रितिका ने फिरोजाबाद को भी छोड़ दिया और उसके बाद वो आगरा आ गई। वहीं पर एक अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर रहने लगी। देखते ही देखते रितिका और विपुल में प्यार हो जाता है।
जो कि पहले हमदर्दी थी और अब प्यार में बदल गई थी। इधर आकाश के खौफ से डरी रीतिका इसलिए परेशान थी कि कहीं उसके बारे में उसे पता न चल जाए। लेकिन घर चलाने के लिए रीतिका सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी, एक ब्लॉग के जरिए पैसा कमा रही थी। फिर क्या था, सोशल मीडिया के जरिए आकाश पता कर लेता है कि रीतिका आगरा के ओम श्री प्लैटिनम अपार्टमेंट में रहती है। उसके बाद आकाश ने रीतिका से मिलने का एक ऐसा रास्ता निकाला कि जिसे सुनकर आप किसी पर भी रत्ती भर का भरोसा नहीं कर सकते। जी हाँ, इसके बाद आकाश अपने एक दोस्त और दो महिलाओं के साथ मिलकर अपार्टमेंट पहुंचता है और गेट पर एंट्री कराता है, जिसके बाद ये चारों लोग अंदर जाते हैं और चौथे माले पर जाकर रीतिका के घर की घंटी बजाते हैं। जैसे ही घंटी बजने की आवाज रीतिका को सुनाई देती है तो रीतिका दरवाजे पर आती है और आकाश को देखकर सन्न रह जाती है, जिसके बाद ये चारों घर के अंदर दाखिल होते हैं और साथ में गई दोनों महिलाएं रीतिका पर काबू पाती हैं। वहीं पर बैठे विपुल को आकाश और उसके साथी घेर लेते हैं और उसे जबरन पकड़कर बाथरूम में हाथ पैर बांध कर बंद कर देते हैं, जिसके बाद आकाश रीतिका को अपने तीन साथियों के साथ मिलकर हाथ पैर में रस्सी बांध देता है और उसे पूरी तरह से पीटता है। उसके बाद उसे चौथे मंजिल की बालकनी में ले जाते ही और वहां से रीतिका को नीचे फेंक देता है। उसके बाद जैसे ही वॉचमैन को कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो भागकर सबसे पहले डर से मेन गेट को बंद कर देता है, जिसके बाद थोड़ी देर में वॉचमैन पीछे की तरफ आता है तो वहां पर देखता है कि ये चारों लोग एक लड़की के पैर खोल रहे हैं। वहीं पर अपार्टमेंट के और लोग भी आवाज सुनते ही उसी तरफ आ जाते हैं और ये चारों लोग वहीं पर फंस जाते हैं और मौके पर ही मौजूद लोगों में से किसी एक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और रीतिका की लाश को कब्जे में लेकर इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस अपार्टमेंट के चौथी मंजिल पर जाती है और वहां पर बाथरूम में बंद विपुल को बाहर निकालती है, जिसके बाद पूरी कहानी की सच्चाई सामने आती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में रीतिका की हत्या हुई है या फिर कोई साजिश। रितिका एक ब्लॉगर जिसने आम लड़की की तरह ही अपने जीवन के सपने देखे थे, लेकिन कहां उसे पता था कि उसने जो कदम उठाया है वो उसके लिए एक दिन मौत की वजह बन जाएगा। उसने जिसे हमसफर चुना वही उसका कातिल बन गया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।